मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल से कलवा कुरैशी को मेरठ महानगर उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। पंडित आशु शर्मा ने नियुक्ति पत्र देकर कलवा कुरैशी को किया सम्मानित। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के परिवार में कलवा कुरैशी जी को मेरठ महानगर के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। कलवा भाई अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए व्यापारियों के हितों में काम करने का प्रयास करेंगे और जो भी समस्या यहाँ के स्थानीय व्यापारियों की होगी वो संगठन तक पहुँचाए, संगठन पूरी जी जान के साथ उनके साथ खड़ा मिलेगा। चलो भैया, जी मैंने ये प्रोग्राम रखा था, मेरी ज्वाइनिंग हुई है आज और महानगर उपाध्यक्ष मुझे बनाया गया है। अभी आशु शर्मा जी गए हैं यहाँ से और मुझे लेटर दे गए हैं, तो ये प्रोग्राम था। तो पहले आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? जी मेरठ डिपार्टमेंटल पार्टी से मैं जुड़ा हुआ था, महामंत्री पद था शामनगर और उसमें थोड़ी सुस्ती बहुत है और दोगलापन बहुत है मेरठ व्यापार मंडल में, इसलिए मैंने उसे जो है छोड़ दिया। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं इससे, आशीष से जो आप जुड़े हैं, आप इसमें क्या उम्मीद रखते हैं? आशीष जी ये गरीबों की आवाज़ को सुनने वाले हैं और गरीबों के दुख दर्द को देखने वाले हैं। गरीब बस्ती है हमारी, छोटे छोटे व्यापारी हैं और इन्हीं के लिए, अपने गरीब भाइयों के लिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी है। और जी आज यहाँ समर गार्डन में पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल की एक बैठक का आयोजन किया गया कलवा कुरैशी जी के द्वारा, और आज पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के द्वारा संगठन का विस्तार करते हुए कलवा कुरैशी जी को महानगर के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। और संगठन ने उम्मीद जताई है कि कलवा कुरैशी जी यहाँ के व्यापारियों को संगठन में जोड़ने का काम करेंगे और जो यहाँ के स्थानीय व्यापारियों की छोटी या बड़ी जो भी समस्याएं शासन प्रशासन से संबंधित है उन समस्याओं को संगठन उठाने का काम करेगा और अधिकारियों को समाधान कराने का काम करेगा और आगे संगठन का विस्तार इसी तरह। आशीष जी आपके यहाँ पे सदस्य कितने बन चुके हैं अभी तक? हमारे यहाँ मेरठ जनपद के अंदर अगर हम बात करेंगे तो लगभग जो है 30,000 से ऊपर सदस्य हैं जिला और महानगर में मिला के, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो हमारे पास लगभग 1.5 लाख से ज्यादा। जैसे आपको लगता है समर गार्डन है यहाँ पर, जो गरीब तबके के लोग पड़े हुए हैं यहाँ पर, क्या वो आपकी बात को समझ पाएंगे? व्यापारी छोटा बड़ा या गरीब अमीर नहीं होता, व्यापारी व्यापारी होता है। व्यापारी ना हिंदू होता ना मुसलमान होता, हमारी नजर में व्यापारी व्यापारी होता है। इसी वजह से हमारा नारा है कौम पार्टी कोई भी हो पहले हम व्यापारी हैं। संगठन के अंदर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े व्यापारी भी हैं, कांग्रेस से जुड़े व्यापारी हैं, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने वाले व्यापारी भी हैं, लोकदल वाले व्यापारी भी हैं, तमाम पार्टियों से जुड़े हुए व्यापारी हैं और सभी धर्मों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को मानने वाले, धर्मों को मानने वाले व्यापारी जुड़े हुए हैं। आपने बात करी कि यहाँ के छोटे व्यापारियों की, तो मैं ठेले वाले की लड़ाई लड़ने भी जाता हूँ। अगर बात ठेले वाले के उत्पीड़न की आती है तो मैं उसकी लड़ाई लड़ने भी थाने चला जाता हूँ।